देश के कई दिग्गज खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई कोच के खिलाफ अलग अलग आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों के आरोप पर समाजवादी प्रवक्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बहनें देश के लिए खेल रही हैं उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों रहते हैं। वहीं सपा प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही ने कहा कि समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति करने से बचे, ये देश के गौरव का विषय है और अपने गायत्री मंत्र को भी याद करें। इससे ज्यादा दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बेटियां जो बहनें देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही हैं, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, और दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों के खिलाफ महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, गुजरात की घटना हो या उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो, आखिर बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार या यौन शोषण के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई। आरोप लगे हैं कुश्ती संघ के ऊपर, इसका खेल मंत्रालय ने बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लिया है और तुरंत प्रभाव से आख्या मांग लिया है 72 घंटों के समय के अंदर, और कुश्ती संघ को इसका जवाब देना होगा। समाजवादी पार्टी राजनीति करने से बचे, 72 घंटे कम से कम इंतजार करे रिपोर्ट का, और अपने गायत्री मंत्र को भी याद करे कि वो जब मंचों पर जो है माननीय अखिलेश जी गायत्री मंत्र पढ़ा करते थे एक बलात्कारी को लेकर, तो उससे तो कम से कम परहेज करे और आज आरोप लगाने से बचे, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है, देश के गौरव का विषय है, इस पर राजनीति करने से अभी बचना चाहिए।